नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं आपकी बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हमारी खास पेशकश है, क्या कोर्ट से ऊपर है मंत्री? ये मानी हुई बात है कि वो सिस्टम से ऊपर तो उठ चुके हैं, कायदे भी उनसे आगे पस्त दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक कोर्ट ही है जिसके सामने उनकी चलती नहीं। पर क्या अब कोर्ट से भी हमारे मंत्री जी ऊपर हो गए? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने अपने करीबी के पक्ष में फैसले के लिए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि कोर्ट ने इसी दबाव को आधार बनाकर उनके समर्थक की याचिका खारिज कर दी। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने जो कारनामा किया वो जितना हैरान करता है उतना ही चिंता में भी डालता है। तो हमारा आज का सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश के मंत्री अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भूल चुके हैं या फिर उन्हें इस रेखा की परवाह ही नहीं? आपकी अदालत में मेरे समर्थक राजकुमार राहंगटाले का केस है, फैसला उसके पक्ष में होना चाहिए। आखिर मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ। बात हैरान कर देने वाली है, लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन को ये लगता है कि धौंस पट्टी से वो हर काम करा सकते हैं। बस एक फोन और कोई भी काम मिनटों में हो गया। अब तक उनका ये फॉर्मूला शायद कामयाब भी रहा हो, लेकिन इस बार उन्होंने हद कर दी। सीधे कोर्ट में फोन कर फैसला उनके पक्ष में देने की हिदायत दे दी। मंत्री महोदय को लगता है कि सत्ताधीशों के ऊपर कोई नहीं, न कानून न अदालत, उनकी मर्जी ही सब कुछ है। लेकिन वो ये भूल गए कि इस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और सत्ता का रौब उन पर नहीं चल सकता। मामला गौरीशंकर बिसेन के गृह जिले बालाघाट का है, जहां कटंगी में सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और मंत्री के करीबी राजकुमार राहंगडाले को संचालक मंडल ने पद से हटा दिया, जिसके विरोध में राजकुमार ने डीआर कोर्ट में एक याचिका लगाई। याचिका समिति प्रबंधक और समिति के खिलाफ थी। बालाघाट में उपपंजीयक नहीं होने से ये केस छिंदवाड़ा डीआर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी केस को लेकर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने डीआर कोर्ट के उपपंजीयक अनीता उइके को फोन किया और ये कहा कि वो राजकुमार के पक्ष में फैसला सुनाए। लेकिन कोर्ट ने माननीय मंत्री को ये समझाने में देरी नहीं की कि कोर्ट उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बिसेन के फोन के बाद कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस प्रकार से दबाव में फैसले करने से कोर्ट की गरिमा पर प्रश्नचिन्ह लगता है। हालांकि पक्षकार के वकील इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अपना प्रशासनिक दबाव डाल के कि मैं मिनिस्टर हूं और मैं आदेशित करता हूं कि मेरे पक्ष में अर्थात तो राजकुमार राहंगडाले के पक्ष में वादी के पक्ष में निर्णय करे। न्यायपालिका ने उनकी बात नहीं मानी, उसके विरुद्ध निर्णय किया है। 28/1/2017 को उक्त प्रकरण लंबित था। जैसे हम कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट में ये बताया गया कि चूंकि एक फोन आया है इस वजह से प्रकरण खारिज कर दिया गया। मंत्री गौरीशंकर बिसेन को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की है। अपनी सफाई में बिसेन ने जो कुछ कहा उसे सुनकर तो आप अपना सिर ही पीट लेंगे। रिकमेंडेशन का सवाल है, हमारे पास तो सभी लोग आते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग यही कहते हैं कि इनको देखे और जो नियमानुसार है वो करिए। लेकिन अनुशंसा का मतलब ही नहीं होता कि उसको पालन ही करना है, जो नियम में है उसको कर। गौरीशंकर बिसेन के इस बयान ने कांग्रेस को उन पर हमला करने का एक और मौका दे दिया। तानाशाही प्रवृत्ति है, न तो ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री नेता, न तो उनका प्रजातंत्र विश्वास है, न कोई न्याय प्रक्रिया का विश्वास है और तानाशाही के बल पर अपने सब काम कराना चाहते हैं। और इन्होंने न्यायालय को भी प्रभावित करने के लिए जो उपपंजीयक न्यायालय है उस पर भी दबाव बनाया है। इसके लिए गौरीशंकर बिसेन जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जज ये कहते हैं कि मुझे इस नंबर से उस फलाने आदमी ने अगर फोन किया है तो ये बात बहुत घोर आपत्तिपूर्वक है और इस बात को संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री को भी कार्रवाई करना चाहिए। लोकतंत्र में न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका को हावी होने का हक नहीं दिया गया, लेकिन जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोले तो माननीयों को ये होश कहाँ रहता है कि संविधान में मिली शक्तियों और अधिकारों की एक सीमा है, उनके रसूख की एक सरहद है। इतने सीनियर मिनिस्टर होकर भी बिसेन ये भूल गए कि कोर्ट या जज उनके मातहत नहीं है, न ही उन्हें निर्देश देने का कोई अधिकार मिला है। पहला सवाल तो यही है, इंसाफ को अपने सियासी रसूख से प्रभावित करने का ख्याल भी उन्हें कैसे आया?
सवाल ये भी, क्या मध्य प्रदेश के मंत्रियों का गुरूर इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें अदालतों की ताकत और अपनी मर्यादा तक का ख्याल नहीं रहा? भोपाल से नवीन सिंह के साथ महेंद्र राय, आईबीसी 24, छिंदवाड़ा। तो कोर्ट ने इसीलिए इस मामले को खारिज कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि इस मामले में फोन आया था, प्रेशर डालकर काम नहीं हो सकता, ये तर्क दिया गया। मंत्री जी अगर ये बात कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ सही हुआ, तो उनके प्रेशर की वजह से वो याचिका खारिज हो गई। निश्चित तौर पर उन्होंने गलत किया था, ये बात इस बात से भी सिद्ध होती है। ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या मंत्री, क्या जनता के प्रतिनिधि नियम कायदे कानून सिस्टम इन सबसे ऊपर चले गए हैं? क्यों ये याद दिलाना पड़ा न्यायपालिका को कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं? क्या ये बात, ये मर्यादा जनप्रतिनिधियों को आज याद नहीं या इसकी फिक्र नहीं? इसी अहम सवाल के साथ हम जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमानों को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी, कांग्रेस के नेता पंकज चतुर्वेदी जी और बीजेपी विधायक शंकरलाल तिवारी जी। आप तीनों का इस चर्चा में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चूंकि मामला भारतीय जनता पार्टी का है तो पहला मौका हम उन्हीं को देते हैं। शंकरलाल जी, कुछ कहेंगे इस पर? जो कुछ भी हुआ, इस पूरे मामले ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, मंत्री जी पर भी, कार्यशैली पर भी। मैं सोचता हूं कि न्यायालय से जुड़ा मामला यदि है, एक तो माननीय मंत्री जी ने इस मामले में स्पष्ट कह दिया है और मंत्री जी का ही वर्सन इसमें लेना चाहिए, क्योंकि तो मुझे इस संबंध की विशेष जानकारी नहीं है। हम तो अपने प्रशिक्षण वर्ग में लगे हैं, मंत्री जी ने क्या कहा, मंत्री जी ने किसको फोन किया, सब कोई ऐसी जानकारी हम सबके पास नहीं है और न इसमें मैं कोई कमेंट देने की स्थिति में हूँ। मंत्री जी का वर्सन इसमें आ चुका है और फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर न्यायालय से जुड़ी कोई बात है तो न्यायालय स्वयं अपने आप में सक्षम है, न्याय के लिए ही बना है और इसलिए उसमें मेरी कमेंट उनकी कमेंट का कोई मतलब नहीं। न्यायालय की जो टिप्पणी आनी थी या जो कार्रवाई होनी होगी वो होगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपके पास इस मामले की जानकारी नहीं, अगर आपके पास जानकारी नहीं, अगर आप हमें देख और सुन पा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में आपको वो बाइट भी सुनवा सकें और उनकी जो सफाई, जिसको आप कह रहे हैं कि उनका वर्जन आ गया, वो वर्जन भी हम सुनवाते हैं, आपको भी सुनवाते हैं, दर्शकों को भी सुनवाते हैं। चलिए, हम चाहते थे कि इस पर हम सीधे बहस करें, सीधे बात करें, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं। मंत्री महोदय ने वो कौन सा फोन कॉल कर दिया जिसको लेकर के ये टिप्पणी कोर्ट को करनी पड़ी कि इस दबाव में वो काम नहीं करेंगे, इसलिए याचिका खारिज करते हैं? नंबर दूसरी बात, जो उसके बाद जो दो अलग अलग सफाई आई वो भी हैं और हम खास तौर पर शंकरलाल तिवारी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ध्यान से सुनिएगा ये तीनों वर्जन। आपकी अदालत में मेरे समर्थक राजकुमार राहंगडाली का केस है, फैसला उसके पक्ष में होना चाहिए, आखिर मैं यहां का प्रभारी मंत्री हूं। जहां तक रिकमेंडेशन का सवाल है, हमारे पास तो सभी लोग आते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग यही कहते हैं कि इनको देखे और जो नियमानुसार है वो करिए, लेकिन अनुशंसा का मतलब ही नहीं होता कि उसको पालन ही करना है, जो नियम में है उसको करना। मैंने उनको नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा था, उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई किया है। पर लिखित रूप में उन्होंने दिया है सर रिकॉर्ड में ये पूरा कि आपके मोबाइल से नंबर गया था, आपने दबाव बनाया उनके ऊपर कहीं ना कहीं फैसला अब उनके पक्ष में कराने के लिए, फैसला उचित किया है। शंकरलाल जी, अगर आपने सुना होगा तो बाद में उन्होंने ये बात स्वीकार की है, सुबह इस बात को स्वीकार किया कि जो किया वो सही किया, अगर जो किया सही किया तो ये टिप्पणी की गई है कि फोन करके दबाव डाला गया इसलिए वो इस केस को खारिज करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें मंत्री जी पूरी तरह गलत रहे। इस पर अब आप कोई वर्जन देंगे, कोई प्रतिक्रिया देंगे? जनता के प्रतिनिधि तो आप भी हैं। नहीं नहीं, आपने जो मुझे सुनाया मैं उस पर ही कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत ये अधिकार है कि न्यायालय के फैसले पर वो ये कहे कि ये ठीक नहीं है। मंत्री जी ने क्या बात ऐसी गलत कही है, यही कहा है कि जो न्यायालय ने फैसला दिया है उचित है। मंत्री जी ने फोन किया था, शायद आप पूरी बात को शायद सुन नहीं रहे हैं या पूरी तरह से आप इस पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। वो उन्होंने कहा, फोन पहले किया कि ये मेरे इलाके का व्यक्ति, इसके पक्ष में फैसला आना चाहिए, इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। एक कोर्ट की टिप्पणी मेरे समक्ष नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट स्वयं सक्षम है सभी तरह की बात करने का और मामला क्लोज हो चुका है, वो याचिका खारिज हो चुकी है, ऐसा आपके माध्यम से ही सुनने को मिल रहा है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें
न्यायालय इन कार्रवाई में मेरे को या आपको कोई बहुत कमेंट करना चाहिए। मंत्री जी ने इतना ही कहा कि न्यायालय ने जो फैसला किया उचित किया है। चलिए ठीक है। और मंत्री जी ने ये कहा है कि मैंने अनुशंसा, मेरे को सब तरह की करनी पड़ती है, मैंने अनुशंसा की होगी किसी की। अब वो किस संदर्भ में कह रहे थे ये तो मैं नहीं बोल सकता। चलिए, कोर्ट या जज को कैसे और कब से अनुशंसा होने लग गई, यही बात सबसे बड़ा सवाल है। पंकज जी, नहीं नहीं पंकज जी कुछ कहेंगे? कोर्ट और जज को अनुशंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए, पुनीत भाई, मेरा आग्रह है कि आदरणीय शंकर जी जी कहिए पंकज जी। पुनीत भाई जी, मेरा आग्रह है कि आदरणीय शंकरलाल तिवारी जी चौथी पांचवी बार के विधायक हैं और बखूबी मामला उनको समझ में, और बड़ी खूबसूरती से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। तो आप एक बार फिर पैकेज चलाएंगे तो भी वो वही बात कहेंगे, सारी बात उनकी समझ में है, लेकिन वो जिस पार्टी के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। न्यायालय के फैसले को मंत्री जी ने उचित कहा है, तो न्यायालय का फैसला तिवारी साहब मेरी कहने का अधिकार किसको है हिंदुस्तान? तिवारी साहब मेरी बात तो हो जाए जी। अरे तिवारी नमस्ते। मेरी अच्छा, मैं तो मुझे तो कमेंट कर लेने दीजिए, आप मत करिए, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, मुझे कमेंट कर लेने दीजिए। तिवारी साहब, मेरा आग्रह बहुत साफ है। पंकज जी नमस्ते। कहिए पंकज जी कहिए, वक्त बड़ा। नमस्ते सर, मेरे मुझे कमेंट कर लेने। सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश का सहकारिता अधिनियम है, उस सहकारिता अधिनियम की धारा 64 के तहत जो उप पंजीयक होता है उसको अधिकार है, उसको न्यायालयीन शक्तियां मिलती है, और यदि वो कोर्ट के रूप में जो आदेश पारित करे उसमें मंत्री महोदय के मोबाइल नंबर का उल्लेख हिंदी अंग्रेजी में करे और ये कहे कि उन्होंने इस बात को लेकर दबाव डाला था कि मेरे वादी के पक्ष में, यानी जिसने चोरी करी, भ्रष्टाचार किया लाखों का, उसके पक्ष में फैसला दो, तो मुझे लगता है तिवारी साहब इसके अलावा किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस मामले में आप देखिए कि बिसेन साहब कितनी खूबसूरती से पल्ला झाड़ रहे हैं कि उन्होंने नियम से कार्रवाई करने को कहा, तो ये सर मेरी बात पूरी जाती तिवारी साहब, तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश के अफसर नियम से काम नहीं करते और उनको मंत्री को ताकीद करना पड़ता है कि नियम से काम करें? मुझे लगता है कि जिस प्रकार आईएसआई के कांड में भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हो रही है, बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम शामिल आ रहे हैं, उसके बाद भी बिसेन साहब जैसा सीनियर मिनिस्टर ये कहे कि हम तो मंत्री हैं, लोगों की सिफारिश कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को उन पर संज्ञान लेना चाहिए कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को बचाने के लिए यदि मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री जो सहकारिता विभाग का संचालन कर चुका हो, मंत्री रह चुका हो, वो यदि फोन करो ये लिखे कि मैं बालाघाट का हूं, प्रकरण आपके आया, मैं आपके जिले का प्रभारी मंत्री हूं, यानी पुनीत भाई आशय बहुत साफ है कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि भ्रष्ट राजकुमार नाम का वो व्यक्ति जिसके पक्ष में मंत्री थे उसके पक्ष में वो डीआर को, मेरी आपत्ति, आप जबरदस्ती जज न बन जाए और सबको भ्रष्ट सबको बुरा मत कर। अरे आप सर आपत्ति करो सर खूब, तिवारी साहब बोलने दे, और जनता है, आपके पास तो इतने ही काम है, जनता आप रोज इस्तीफा मांगो। तिवारी साहब सर उत्ती हो जाए। अरे सर मेरी बात सुनो सर, मैंने इस्तीफा कहाँ मांगा, आपकी इच्छा तो मांग लेता हूँ मैं। तिवारी साहब देर तक आपका भाषण सुनना पड़ेगा। मांग लेता हूँ मैं, मेरे अग्रज आदरणीय तिवारी साहब की सलाह पर गौरी शंकर बिसेन जी का इस्तीफा मांगता हूं, जैसा शंकर तिवारी जी ने मुझे आदेशित किया, मैंने तो इस्तीफे का जिक्र किया नहीं। देखिए पंकज जी कुर्सी खाली हो तो आपको मंत्रिमंडल में जगह मिले। सर पंकज जी आपकी मजबूरी है, आपकी सरकार के, कांग्रेस के मित्र हो, भ्रष्टाचारी की मदद कर रहे हैं, तो काम ही इतने है, कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं, कुछ किया नहीं है, सुबह शाम आप किसी न किसी सर वो तो का मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते रहो। अरे तिवारी साहब मैं तो अपना काम कर रहा हूँ सर, लेकिन बीजेपी अपना काम नहीं कर रही, मुख्यमंत्री जी अपना काम नहीं कर रहे, यही तो विडंबना इस मध्य प्रदेश की कि मुख्यमंत्री जी को अब तक गौरी शंकर बिसेन जी को मंत्रिमंडल से रुखसत कर देना चाहिए था। ऐसे कौन से उनमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि तमाम शिकायतों के बाद खुले हम प्रमाणित सत्य है, सरकार के दस्तावेज, न्यायिक दस्तावेज है, उसमें लिखा हुआ है कि बिसेन साहब ने धमकी दी जज को, और आप कह रहे हैं कि अभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सर मुख्यमंत्री और मंत्री ने बीजेपी में तिवारी जी जो बातें ठीक कैमरे के ऊपर हैं, जो बातें ठीक कैमरे के ऊपर हैं, डिबेट कराइए तिवारी जी, बिल्कुल डिबेट ही हो रही है। मैंने पहले इसलिए मैंने पहले आपका प्रश्न लिया,
इसलिए मैंने पहले आपका वचन लिया, आपने कहा आपको जानकारी नहीं, इसलिए मैंने आपको सारे बाइट्स भी सुनवाए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ, ब्रेक से लौटने के बाद में हमारे साथ में शिव अनुराग पटेलिया जी भी जुड़े हैं, उनका भी कमेंट लूंगा ब्रेक के बाद। क्या कोर्ट से ऊपर मंत्री, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फोन करके दबाव क्या बनाया कि इसी बात को आधार बनाकर याचिका को खारिज किया। टिप्पणी बकायदा इस मामले में लिखित में है और बिसेन के खिलाफ ये टिप्पणी पर ही आम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ में जो तीन मेहमान हैं उनमें से हम दो को सुन चुके हैं, शिव अनुराग पटेलिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। पटेलिया साहब, किस बात पर ज्यादा हैरत हुई, जो पहले फोन किया था उस पर या जो बाद में सफाई आई उस पर? देखिए पुनीत जी, मुझे किसी बात पर हैरत नहीं हुई। अभ्यस्त जो राजनेता हैं वो इसी तरह के और इसी तरह की वो हरकतें किया करते हैं। अगर हम गौरी शंकर बिसेन के अतीत में झांकना चाहें तो संजय नगाइच इन्हीं की पार्टी के बैंक के अध्यक्ष थे, उनको हटाया था, अंत में कोर्ट का अवमानना का शिकार होना पड़ा, दंड का शिकार होना पड़ा, एक इंस्ट्रक्शन के खिलाफ आया। एक बच्चे से अपने जूते की लेस बंधवाते हुए मंच पर आए और बड़ी बेशर्मी के साथ जवाब देते रहे कि मेरा परिवार का है, आपके परिवार का भी है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आप इस तरह की चीजों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। एक कर्मचारी से आप उठक बैठक लगवाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्रियों का प्रतीक है डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन। वो सत्ता से और सब सारी चीजों से अपने आप को ऊपर बांधते हैं, परे बांधते हैं, और इसके कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं। दरअसल भाजपा की केंद्रीय राजनीति में जिस जाति का एक बड़ा नेता मौजूद है उसके कारण से मध्यप्रदेश में उस जाति के जो तमाम राजनेता हैं वो अपने आप को सर पर चढ़ा हुआ महसूस करते हैं, चाहे वो कुसुम महदेले हों, चाहे गौरीशंकर बिसेन हों। और आप इनके द्वंद्व का शिकार अगर जानना चाहें तो पिछले दिनों नरसिंहपुर को लेकर प्रहलाद पटेल और उनके भाई ने किस तरह से आरोप लगाए थे कि उनके खिलाफ जिस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं उनको सह गौरीशंकर बिसेन देते हैं। दरअसल और भी टेरिटरी काम करने के अभ्यस्त हैं। और अगर ये सिफारिश की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में एक मंत्री को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था कि उसने एक नौकरी की सिफारिश की थी, वो नौकरी लगी नहीं थी। दरअसल आप जब एक संविधान के द्वारा प्रदत्त पद पर के ऊपर होते हैं तो आपको संविधान की रक्षा करने वाले कार्य आपको करना पड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास लोग आते हैं और आप सिफारिश कर देते हैं। कत्ल कोई कत्ल का आरोपी आए तो क्या जज को आप सिफारिश करेंगे, आप इसे छोड़ दीजिएगा? दरअसल इस मामले में पालिका का काम, इस मामले में पटेलिया जी काम करने दीजिएगा। जी जी, पटेलिया जी, पटेलिया जी, इस मामले में जो टिप्पणी की है, जो जज ने टिप्पणी की है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि फोन और दबाव के चलते वो इस बात को खारिज करें। और बाद में मंत्री जी ने जब हमने उनका रिएक्शन लिया तो आपने भी सुना देखा होगा, उन्होंने कहा कि जो जज ने किया वो ठीक किया, मतलब जो पहले किया गया था वो गलत था क्योंकि उसी आधार पर इसको खारिज किया गया। अब तो ये बात सबके सामने है, अब तो चेत जाना चाहिए। देखिए मंत्री जी ने जो कुछ कहा वो सिर्फ एक मुंह छुपाने वाला, मुंह ढांकने वाले बात कही है कि आपने जज ने जो किया ठीक किया, आप कैसे इंकार कर सकते हैं? आप न्याय की और न्यायालय की अवमानना के मामले में फंस जाएंगे। दिक्कत यह है कि किसी व्यक्ति का अतीत उसके कार्य के काम करने के तौर तरीकों को प्रकट करता है, और मुझे लगता है चाहे संजय नगाइच का मामला हो, चाहे बच्चे से जूते के लेस बंधवाने वाला मामला हो, या किसी कर्मचारी से उठक बैठक लगवाने का मामला हो, आप अपने आप को कानून से, व्यवस्था से, न्याय से सबसे ऊपर मानते हैं, अन्यथा किसी भी अदालत को आप निर्देशित नहीं कर सकते हैं, आप सिफारिश नहीं कर सकते हैं। अगर सिविल कोर्ट होता तो अभी तक कंटेम्प्ट का मामला चल चुका होता। अभी चाहे तो कॉपरेटिव के जो जो न्यायाधीश महोदया हैं वो कंटेम्प्ट के तहत सारे मामले को ले जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारियों को इसी सरकार के तंत्र में रहना पड़ता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और अपने सरकारी कर्मचारियों को इस तरह की अनावांछित और अनापेक्षित दवाओं से बचाना चाहिए। तिवारी जी कुछ कहना चाहेंगे? अब ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से इस बात को चलाया जा रहा है, कोर्ट, जज, ये कौन से वर्ग के न्यायाधीश है, किस कोर्ट में था, मुझे बताएंगे क्या? मेरे ख्याल से शायद पंकज जी ने बेहतर व्याख्या कर दी है। देखिए तिवारी जी, उस अधिनियम की व्याख्या की है। मैं सोच रहा हूँ आप पंजीयन कार्यालय जो है, रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, पंकज जी कहिए, जो विभागीय बातें हैं, देखिए उनको आप जज कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तिवारी साहब दो मिनट सुन लीजिए। मैं एंकर साहब से सुनना चाहता था कि ये जो जज की बात आई है, मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा 64 में
हर उप पंजीयक को सर न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं और कोर्ट के नाते वो सुनवाई करते हैं, वहां वकील जाते हैं और मुवक्किल जाते हैं और इसकी अपील जो होती है वो जिस ढंग से चैनल में जज जज किया जा रहा है, तो इसका कॉपरेटिव सर चैनल में जज जज सुन लीजिए, जज भी आ रहा हूँ, जज भी आ रहा हूँ, मैं समझता हूँ तिवारी साहब, तिवारी साहब सुन लीजिए, जज जज कर करके तिवारी साहब आधा मत डालिए, तिवारी साहब सुन लीजिए, चार्ज पूछ करके जज की जुडिशियल कोर्ट की जस्टिस उसके अध्यक्ष होते हैं, एक तिवारी साहब, तिवारी साहब क्यों बचा रहे हैं एक भ्रष्ट मंत्री को, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ और ये कहना गलत है कि मंत्री किसी के प्रावधान आरोप है, आप ये टीवी चैनल में बैठ करके भ्रष्ट कहेंगे, जो भ्रष्ट का सहयोग करे वो भ्रष्ट होता है सर, वो भ्रष्ट भ्रष्ट सहकारी समिति के अध्यक्ष का सहयोग कर रहे हैं, उनको मुक्त कराना चाहते हैं, आप उनको भ्रष्ट मानो सर, कुर्सी खाली होगी, पंजीयक पंजीयक द्वारा किए गए फैसले आपके इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ और तीसरी में जाकर आपके हित की बात कर रहा हूँ, उनको भ्रष्ट मानिए, कुर्सी खाली कराइए, आप जैसे अच्छे लोग आएंगे, मत बचाइए भ्रष्ट को, तिवारी साहब नसीब गोपेबाजी है, जज 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 कोर्ट कोर्ट कोर्ट, वो पंजीयन कार्यालय है, आपके हित की बात कर रहा हूँ, तिवारी साहब ने नियम आप तिवारी साहब नियम आपके तो गाये पगाये सीनियर एमएलए हैं, सुबह शाम पढ़िए काम है कि आप इस्तीफा मांगो, आप इस्तीफा मांगते रहो, पर जज की बात कोर्ट की बात और इस मैं फिर मांग लेता हूँ आपके बोलने पर, आपके बहुत अनावश्यक कमजोर कर रहे हैं, आप मेरे अग्रज हैं, आपसे बोलने पर एक बार फिर इस्तीफा मांग ले रहा हूँ, नहीं नहीं अपराध हो रहा है, तो इस्तीफा ये अपराध हो रहा है, बचा रहे हैं पंजीयन कार्यालय में, आप बचा रहे गए फोन को, आप सीनियर एमएलए में जज जज सीनियर एमएलए बिसेन साहब की जानवार के विधायक हैं, आप कोर्ट कोर्ट मुख्यमंत्री से बोलिए, कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, आपको ले लें सब कुछ जनता के सामने है, जुडिशियल कोई गुमराह नहीं कर रहा सर, तिवारी जी माफ करिए, तिवारी जी सारी बातें जनता के सामने, के साथ बात करता यहाँ 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 इसमें कैमरे पर बोली गई एक एक बात सबके बीच में रहती है, जिस बात पर आप आपत्ति उठा रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे थे कि डिबेट कराइएगा, इसलिए मैंने डिबेट को होने दिया, इसलिए मैंने दोनों पक्षों को सुनने दिया, आपूर्ति अधिकारी बोला जाता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में संपत्ति, मतलब आप मानते हैं कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ, चलिए आप फाइनल बात कीजिए तिवारी जी, फाइनल बात कीजिए, जो कुछ हुआ आपके मुताबिक सब सही हुआ, बहस ही निरर्थक है, बहस निरर्थक कैसे भाई, सवाल हमने पूछा है, सवाल तो आप तय नहीं कर सकते, आप जवाब दे सकते गुमराह करने वाली बात, आप बताइए जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ, और बिना मतलब फोन करना किसी को, फोन करना और उसको ये कहना कि इसके पक्ष में फैसला दीजिए आपके मुताबिक ठीक है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं है, जवाब आप दे नहीं रहे, सवाल आप सुन नहीं रहे, पंकज जी बोलिए, जी जी पंकज जी फाइनल कमेंट आपका चाहता हूँ, मुझे जानबूझकर पुनीत भाई जी, मैंने कहा ना, मैं देखिए सर तिवारी जी बहुत परिपक्व राजनेता हैं और वो बचना चाहते हैं, आप तो सुबह शाम खाली हो तो उनको मिले, और मैं फिर तिवारी साहब के आदेश पर इस्तीफा मांग रहा हूँ, और तिवारी जज कोर्ट जी पटेरिया जी पर गुमराह, वास्तव में जिस तरह का मामला है वो न्याय, जिस तरह का मामला है उसमें न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की गई है, और अगर कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करता है यानी वो हमारी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करता है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में मुख्यमंत्री को सरकार को विचार करना चाहिए, क्या उसे उसकी कुर्सी पर बने रहने का हक है या नहीं है, कम से कम उनका अतीत तो यही बताता है कि अपने आप को सारी व्यवस्था से और कायदे कानून से अपने आप को ऊपर पाते हैं, चलिए तो अपने आप को और व्यवस्था से ऊपर बताने वाले जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि उनको इस तरह की सिफारिशें करनी पड़ती हैं, ये सब जनता देख सुन समझ रही है, और जिस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की गई, जिस टिप्पणी को आधार बनाकर उस केस को खारिज किया गया, वो सबके सामने है, इसके बावजूद जिस तरह से बचाव हो रहा है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा पार्टी के द्वारा, वो भी सबके सामने, आप तीनों का शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं, नमस्कार।